सब्सक्राइब कीजिए बीजीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके सहारनपुर की राजनीति से जुड़ी हुई हर वीडियो और न्यूज सबसे पहले। गंगा विधानसभा का यह उपचुनाव अपने आप में काफी अहम है क्योंकि पिछले दो दशक से राजनीति में अपना अस्तित्व बचाने के लिए गंगो के दो बड़े राजनीतिक घराने लगे हुए हैं। चौधरी परिवार तो गंगो की सीट ही नहीं बचा पा रहा है तो वहीं दूसरी ओर कासी परिवार का वर्चस्व पूरे जिले के अंदर है। इमरान मसूद जिले के अंदर एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने दम पर 2017 के विधानसभा चुनाव में दो विधायक जितवा दिए थे, लेकिन चौधरी परिवार के लिए खुद का चुनाव जीतना भी अस्तित्व का संकट बना हुआ है। इमरान मसूद के पास जिले के अंदर अच्छा खासा वोट बैंक है जिसके कारण उनकी राजनीति तो चल रही है लेकिन किसी बड़े पद पर पहुंचना उनके लिए भी आसान नहीं हो पा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन दो बड़े राजनीतिक घरानों का इस चुनाव में क्या होगा। दोनों ही राजनीतिक परिवारों के प्रत्याशी पार्टी नहीं अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी दोनों ही परिवारों के प्रत्याशियों को जो भी वोट मिलेगा वह इनका खुद का वोट होगा न कि पार्टी का। यह तो बात इस चुनाव में साफ हो गई कि इन उम्मीदवारों का वर्चस्व यहां पार्टी से काफी बड़ा है जबकि बीजेपी के लिए ऐसा नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवार का यहां कोई खुद का वजूद नहीं है, वह सिर्फ बीजेपी के दम पर यहां से चुनाव जीतने में सफल हो सकते हैं। ऐसे में यदि बीजेपी यहां चुनाव हारती है तो उसे इतना खासा नुकसान नहीं होने वाला जबकि इन दो परिवारों में से जिसको भी हार मिलेगी उसका अस्तित्व का संकट गहरा जाएगा। पूरे विधानसभा चुनाव में चौधरी परिवार का जलवा अलग ही था और उनके समर्थकों ने पूरे जोश और जुनून के साथ चौधरी इंद्रसेन को चुनाव लड़वाया। ढोल धमाकों के साथ पूरा चुनाव प्रचार हुआ। लोगों को आस है कि इस बार इंद्रसेन चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन यदि इस बार भी वह चुनाव नहीं जीतते हैं तो आने वाले वक्त में सियासी संकट पैदा हो सकता है। अब ऐसे में देखना होगा कि इन दो बड़े राजनीतिक घरानों का क्या होने वाला है। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी अधिक खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए बीजीटी न्यूज को।